वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम देवलीना एंड आज का वीडियो होने वाला है काफी एक्साइटिंग बिकॉज आज हम एक ब्लॉग करने वाले हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वीकेंड ब्लॉग. आज है सैटरडे, सो हैप्पी सैटरडे गाइज. एंड इस वीकेंड मैं इसीलिए ब्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि ये वीकेंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. बिकॉज दिस वीकेंड एक्चुअली वी आर हैविंग लाइक अ स्लीप ओवर. सो बेसिकली मृणमय आ रही है मेरे घर पे. नाउ इफ यू डोंट नो हु मृणमय इज एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो शी इज एन यूट्यूबर प्लस एन इंस्टाग्राम ब्लॉगर. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव अ स्लीप ओवर टूडे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट सम रियली रियली अमेजिंग कॉन्टेंट. सो हमने काफी सारा कॉन्टेंट प्लान करके रखा है लाइक फॉर यूट्यूब फॉर इंस्टाग्राम. बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट हम लोग ने प्लान करके रखा है एंड वी विल बी एक्चुअली फिल्मिंग दोज. सो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक व्लॉग बहुत दिन हो गया है कि मैंने एक व्लॉग नहीं किया है. एंड इन द व्लॉग आई कैन शो यू व्हाट गोज अराउंड बेसिकली व्हाट गोज बिहाइंड द कैमरा. सो बेसिकली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितना एफर्ट लगता है एक रील्स बनाने में है, क्या प्रैक्टिस लगता है टू मेक अ डांस रील और एनीथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली आई विल बी शेयरिंग ऑल द बिहाइंड द सीन्स इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग. सो मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगी. अभी इट इज़ अराउंड 5 PM इन द इवनिंग. मैं जाकर थोड़ा सा स्नैक्स या कुछ खाऊंगी एंड मृणमय मेरे घर में आएगी एट 7 o'clock. सो वो जब आती है देन आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द व्लॉग अगेन. आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एंड लेट्स सी क्या होता है. प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. Hi guys, so it's 7 PM right now and Mrinmay is finally here. Hello. So now we are here and she bought a lot of stuffs with her because yes. We did a lot of planning. Do you want to show them much products you bought? Yes, please. I want to show you guys the luggage. That's just the content luggage that we have. So you can imagine something really exciting is coming up on our channels. So stay tuned for that. And right now we'll not start with shooting. We are actually planning on going to eat. So hum log fuchka khane jane wale hai. Haan, aur ye basta main leke aayi hu aaj. Theek hai? This is like 5 kgs. Really? Almost 5 kgs and I brought this. And I'm just going to stay for like 24 hours. Things भी है जो आप लोगों को पहले आगे ब्लॉग में पता चलेगा. सो यस वंस वी स्टार्ट फिल्मिंग वील अगेन ब्लॉग. सो नाउ वील गो एंड ईट सम फुचका. सो हम अभी बहुत रेडी लग रहे हैं. दैट इज बिकॉज अभी हम लोग एक वीडियो फिल्म करने वाले हैं दैट इज फॉर यूट्यूब जो आप लोग बहुत जल्दी देखने वाले हो. बट बिफोर शूटिंग द वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग सेटअप कैसे करते हैं. सो फर्स्टली हम लोग एकदम मेकअप करके रेडी हो जाते हैं एंड देन आई शो यू. मोस्टली हम लोग इतना रेडी होते हैं बट नीचे हम लोग अपने पजामाज ही पहनते हैं. एंड हियर मृणमय इज, शी इज ऑल्सो रेडी एंड शी इज लाइक सेटिंग अप द ट्राइपॉड राइट नाउ. यस, ट्राइंग टू एडजस्ट द हाइट, गेट द लाइट एंड एवरीथिंग राइट. सो नाउ वो ट्राईपॉड यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग का बैकग्राउंड होने वाला है. सो वी आर गोइंग टू सेट अप द ट्राईपॉड. इट्स राइट. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग का सेटअप जो है वो बन चुका है. सो ये मृणमय का कैमरा है एंड यहाँ पे हम लोग हैं. ये ठीक से फोकस नहीं ले रहा है. सो यहाँ पे कैमरा है विद द ट्राइपॉड एंड हियर वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर.
एंड अभी हम लोग फिल्म करने वाले हैं. वी वांट टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ हिंट कि हम लोग क्या फिल्म करने वाले हैं. लेट इट बी अ सरप्राइज बिकॉज इट्स अ वेरी कूल थिंग दैट वी बोथ हैव प्लान्ड एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आए कुछ चीज से. टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को खुद भी नहीं पता है कि वॉट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज शी हैज केप्ट अ मिस्ट्री फ्रॉम मी एंड वाइस वर्सा. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड वी बोथ आर. सो इट्स लाइक अ मिस्ट्री चैलेंज एंड हम लोग ने ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले थिंग्स लिया है एंड अभी तक शी हैज नो आइडिया व्हाट आई गॉट फॉर हर एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट शी गॉट फॉर मी. सो या लेट्स सी. आई जस्ट होप कि ये बड़ा सा फेल ना हो एंड अच्छा सा वीडियो आए. सो या लेट्स यू नो फिल्म द वीडियो एंड वंस वी आर डन देन हम लोग देखते हैं. बाय द वे वी आर स्टार्टिंग फिल्मिंग एट 8:30. देखते हैं कि कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. वन इटर्निटी लेटर. हाय गाइस. सो शूट खत्म हुआ एंड इट इज लाइक सॉरी फॉर द टॉप. अभी 10:30 है. सो वी स्टार्टेड एट 8:30. अभी 10:30 हो गया एंड वी ओनली शॉट लाइक 2 YouTube वीडियोस. एक मेरे चैनल के लिए एक उसके चैनल के लिए. सो ये तो हो गया एंड हम लोग का शूट काफी अच्छा था. मतलब हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि जो हम प्लान किए हैं वो डिजास्टर हो सकता है. मतलब चांसेस बहुत थे बट हम लोगों को लगा था बड़ा सा फेल होने वाला है. काफी बड़ा सा बट लकीली इट वॉज गुड. आई वुड से इट वॉज गुड एंड बहुत मजा आया गाइस. बहुत मजा आया एंड मतलब आई कांट वेट फॉर यू गाइस टू सी द वीडियो. सो यस अभी 10:30 बज चुका है. सो वी विल बी हैविंग आर डिनर. हम लोग ने सोचा था कि डांस प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस टाइम में बट हुआ नहीं अभी तक. बट हम लोग मतलब गिव अप नहीं करने वाले. हम लोग डांस प्रैक्टिस आफ्टर डिनर करेंगे और वो खत्म करके ही छोड़ेंगे. एज वी हैव टू डू इट और एल्स वी वांट टू बी एबल टू कंप्लीट इट टुमारो. इट्स लाइक खाने के बाद थोड़ा डांस करना मुश्किल है बट आई लव डांसिंग. सो बट थोड़ा सा ऐसे वेट करके फिर अपने स्टार्ट कर लेंगे डांस करना और समथिंग. सो यस वी विल बी सीइंग व्हेन वी हैव अवर डिनर. देखते हैं क्या है आज डिनर. एग्जैक्ट. बहुत खुश हूँ उसके खाने से. सो अभी हम लोग डिनर खा रहे हैं एंड हियर इज आवर डिनर एंड हियर इज मृण्मय. यस मैं बहुत मतलब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ. ये जबरदस्ती मुझे बोल के मेरे से बोलने की नहीं, पहले तुमको दिखाना पड़ेगा खाना. आई रियली आई जस्ट वांट टू यू नो जंप ऑन दिस एंड इट्स लाइक वेरी यम्मी आई कैन से. यस सो हम लोग अभी खा लेते हैं. फिर खाने के बाद बहुत सारा काम है. ऑल्सो हम लोग ने आइसक्रीम मंगवाया है फ्रॉम नेचुरल्स. So that is on the way. We are excited for our dessert. Hi guys. So हम लोग का डिनर खत्म हो गया है एंड मेकअप इज ऑलमोस्ट ऑफ. सारा लिपस्टिक चला गया है कहीं पे. Okay, enjoying our ice cream. This is from Naturals and I love their ice cream. Mine one is in the variant Malai and I'll show you Mrinmayee. उसको थोड़ा ज्यादा ही वेट करवा दिया था फॉर यू नो द पिक्चर. सो हाँ मैं ना उसको बहुत वेट करवा रही थी पिक्चर खींचने के लिए. एंड फिर जब तक मैंने पिक्चर फाइनली खींचा ये पानी हो गया. कोई बात नहीं मतलब टेस्ट तो वही है. सो आई डोंट हैव व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू डू. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. सो अभी हम लोग एक्चुअली बहुत जोश में है. एटलीस्ट मैं आई डोंट नो अबाउट मृण्मयी. मृण्मयी सुबह से ऑफिस करके आई है. लेकिन अभी हम लोग डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड अभी रात के 12 बजे है. सो डांस प्रैक्टिस करेंगे अभी जिससे हम लोग कल फिल्म कर ले. सो आई डोंट नो डांस प्रैक्टिस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. लेट्स सी क्या होता है.
A few inches later. Hey guys, so अभी हम लोग खत्म किए अपना डांस करना and Minmay is like already very tired and in bed एकदम and we completed our shoot but हम लोग complete our shoot sorry we completed our rehearsal so we did all the dance rehearsal फिर भी हम लोग ने सारा कंप्लीट नहीं किया है जो टफ वाले थे उनको ही कंप्लीट करके रखा है बट आई डोंट नो कल क्या होने वाला है हम लोग कैसे इतना कुछ कंप्लीट करेंगे टाइम भी बहुत हो रहा है इट्स लाइक 3 o'clock तो हम लोग 12 बजे स्टार्ट किए थे एंड फिर 3 बजे तक हो गया हम लोग को प्रैक्टिस करते करते और ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने गैप लिया हम लोग कंटिन्यूअस करते गए मतलब वी डिडंट टेक एनी ब्रेक दैट इज द रीजन वी कुडंट इवन फिल्म इन बिटवीन कि हम लोग इतना उसमें ये थे आई थिंक कितने डांसेस हम लोग ने उठाया आज चार या पांच अराउंड 5 डांसेस एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट था आज सो आई एम वेरी नर्वस कि कल क्या होने वाला है एंड यहाँ पे काफी जोर से बारिश होता है तो आई जस्ट होप कल अच्छा सा सनी सा वेदर रहे सो दैट वी कैन यू नो फिल्म प्रॉपरली देखते हैं क्या होगा आई विल बी शोइंग यू द बिहाइंड द सीन्स फ्रॉम टुमारो फ्रॉम द शूट एंड ऑल बट आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए वो रिहर्सल के वक्त सो यस नाउ वी गो ऑफ टू स्लीप अभी 3 बजा है आई थिंक हम लोग को बाय 9 or 10 उठ जाना चाहिए उठना भी है सुबह यस तो वही ठीक है चलो वील मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग गुड नाइट द नेक्स्ट मॉर्निंग हाय गाइस गुड मॉर्निंग अभी बज रहे हैं 10:30 एंड हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी सो हियर इज देवलीना एंड शी इज हैविंग व्हाट आर वी हैविंग टुडे वी आर हैविंग आलू का पराठा एंड आई एम हैविंग इट विद अचार एंड सॉस एंड शी इज हैविंग इट खाली एंड बहुत टेस्टी है मैंने थोड़ा सा अचार लिया इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारा काम है एंड थैंकफुली सुबह से बिल्कुल बारिश नहीं है द स्काई इज क्लियर एंड धूप भी है सो वी आर लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ अच्छे से हो जाए আমি সস মনে হচ্ছে আমি পরোটা না আমি সস খেতে এসেছি Hi guys, so अभी बजा है 12, it's 12 o'clock and I am ready and we are actually going to the terrace to film and हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा है because the thing is आज बारिश तो नहीं हुआ but it is pretty sunny and you know 12 बजे कैसे धूप रहता है हम लोग छत पे जाकर लोकेशन तो सेट करके आए हैं बट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक रियली रियली हॉट मतलब इतना गर्मी है ना ऊपर मतलब पंखा तो अभी हम बंद ही नहीं कर सकते आई थिंक यू कैन हियर द नॉइज ऑफ द फैन बट द थिंग इज इट्स सो हॉट एंड आई डोंट थिंक हम लोग रूम में फिल्म कर सकते हैं बिकॉज यू नो नेचुरल लाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है रील्स सो आई एम रेडी एंड द टॉप दैट आई एम वेयरिंग इज अ ब्लैक टॉप एंड आई एम वेयरिंग डेनिम अंडर इट एंड मृणमयी इज एक्चुअली गेटिंग रेडी सो आई विल शो दैट सो हियर्स मृणमयी या शी इज़ गेटिंग रेडी राइट नाउ मैं भी रेडी हूँ सो हम लोग ने सिंक में पहना है क्लोथ्स एंड वी एक्चुअली हैव लाइक अ लॉट ऑफ आउटफिट्स टू चेंज एज वेल मतलब ये सिर्फ एक आउटफिट नहीं है हम लोग के पास और भी आउटफिट्स है टू चेंज एंड आई डोंट नो आई यू स्कैर्ड मृणमयी यस वेरी मच आई एम मोस्ट स्कैर्ड ऑफ द हीट हाँ एक्चुअली यू नो ये हीट में एक तो हम लोग का जो डांस फेज होता है वो एक बार में कभी परफेक्ट नहीं होता है वी आई नीड टू शूट इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड उस पर अगर एनीवे देखते हैं वील गो अप एंड शो यू द लोकेशन जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले हैं सो हम लोग छत पे है अभी एंड दिस इज द छत सो वी हैव डन द सेटअप एंड अभी काफ़ी धूप है एज यू कैन सी एंड वी विल बी एक्चुअली शूटिंग इन दिस सन सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कितना ये होने वाला है एंड समहाउ सन और बढ़ता जा रहा है सो योर मृणमयी इज शी इज़ ऑल्सो रेडी सो ये है हमारा सेटअप सो दिस विल बी द बैकग्राउंड एंड यहाँ पे हम लोग ने ट्राईपॉड रखा है एंड वहाँ पे हम लोग डांस करने वाले हैं सो वहाँ पे बहुत स्पेस मिल जाएगा एंड अभी हम लोग
इट्स द टाइम टू डिस्को करने वाले हैं, सो वी विल जस्ट कंप्लीट वन सॉन्ग एंड देन वी विल गो डाउन. पूरा मेकअप सब कुछ पिघल रहा है, धूप बहुत बढ़ती जा रही है. एग्जैक्टली, हम लोगों में जबरदस्त टैनिंग भी होने वाली है. एंड इट्स लाइक 12:30, सो या स्टार्ट. या 1 hour later. Hi guys, so we have successfully shot our first video and this is the second outfit of the day and we are going to shoot like a Indian kind of a song, so that is the reason we are wearing ethnic. And this is my outfit and this is Mrinmayee's outfit. So we have color coded on the red theme and how we look. On the table. So yes, we are going to shoot Panna Re, which is I think very popular. So let's see how we can do it. It just looks very beautiful when the guy does it. I don't know how it will look when we do it. So yes, we'll see you when we wear the third outfit. Hi guys, so this is our third outfit of the day, which is dresses. So I'm wearing a black dress and Mrinmayee is wearing a floral dress. And we actually shot our video and this is how much we are sweating right now. सोच लिया है मैंने कैमरा में दिखाने के लिए. आई एम लाइक स्वेटिंग एंड वेरी टायर्ड. वी कम्प्लीटेड अ फ्यू शूट्स बट स्टिल कुछ कुछ मैनी मोटू वो एक्चुअली. सो येस, आई विल ट्राई टू यू नो फिल्म इन बिटवीन डांस एंड सी इफ वी कैन गिव लाइक अ BTS. यस, द थिंग इज इट्स सो हॉट ना कि कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे हो रहा है, बहुत गर्मी है. एंड इट्स लाइक 2:00 इन द आफ्टरनून एंड वी आर इन द लोग तो देखेंगे, बट कोई बात नहीं. हम लोग अभी जाएंगे अपने फोर्थ आउटफिट चेंज में एंड वी हैव अ कपल ऑफ वीडियोस टू फिल्म. एट दैट टाइम आई विल गिव यू अ BTS ऑन द डांस. Hey guys, so it is the fourth outfit of the day, which is this white top. Yes, we actually bought this top together and just in the opposite colors. Yes. And yeah, we are going to actually film and now we will be showing you the behind the scenes of this particular shoot. We are not actually filming in the terrace, we are filming over here in the balcony so that we don't have to suffer the heat again. Yes. We are trying very hard to adjust because the space here is very less. Yeah. So कैसे भी करके हम लोग manage करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सब सही से हो जाए and हो जाएगा, right? I hope so. Yeah. So here's some of the behind the scenes. I think this camera angle will do. Yes. Let's go. Jaika dance. So like a sneak peek. Yeah. Thousand years later. Hi guys, so finally we are done with the outdoor shoots. बहुत टाइम लगा एंड इट इज़ अराउंड 3:30 राइट नाउ एंड वी आर सिटिंग टू हैव आर लंच. सो आज हम लोग को मन हुआ कि हम लोग सबवे से खाना खाएंगे. सो वी हैव आर रैप्स राइट ओवर हियर, सो वील ईट दीज रैप्स एंड हम लोग सोचे कि वील आंसर द Q&A राइट नाउ. एंड ऑल्सो हमारे जो अभी हमने शूट किया उसकी टाइमिंग इतनी मस्त थी. वी जस्ट फिनिश्ड ऑल आर आउटडोर शूट्स एंड बारिश चालू हो गया लाइक काफी जोर से. यस, एंड वी आर सो रिलीव दैट ऑल आर आउटडोर शूट्स आर कम्प्लीटेड. सो फिर भी अभी भी कुछ कुछ और रील्स बाकी है जो हम लोग इंडोर कर सकते हैं, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है. बट
The main ones yes. are done. Yeah. I can't wait for you guys to check out the content that we filmed. I will be leaving our Instagram handles right on the screen. Definitely follow us there because a lot of new content are coming up on yes. our Instagram. And sometimes we also post them on YouTube as well. And there are a lot of bloopers. So I think I have thought that I will be posting the bloopers in stories. So you will be getting like sneak peeks. So don't miss out on Should following I open both my of hair us. As well. Yeah. So now we will be having our wrap and let's see what are the questions that you guys asked.